हेलो एवरीवन, मैं जा रही हूँ अपनी बेटी से मिलने। मेरी बड़ी वाली बेटी, आप लोगों ने कई बार उसको मेरे ब्लॉग में देखा है, तो मैं उससे मिलने जा रही हूँ। एक्चुअली आज हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसका बर्थडे 3 तारीख को था और आज 5 तारीख है, 5 या 6 तारीख है। बट क्योंकि मेरा बेटा आर्मी में है तो आज उसकी छुट्टी है, वो वापस आया है, इसलिए हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं उसका बर्थडे। तो मैं जा रही हूँ अपनी बेटी के घर और मेरा बेटा भी वहीं रहता है। मेरी बेटी और मेरा बेटा दोनों एक साथ ही रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं। सो आई एम गोइंग देयर टू विजिट देम और वहाँ पे उनके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, तो हम आज बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और आज मैं पूरा शूट करूँगी बर्थडे का, जो भी व्लॉग बनेगा वो सारा कुछ आप लोग देखोगे। आज मेरे दोनों बच्चों को आप लोग देख लोगे। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों को मेरी बेटी के घर पे। Why am I doing this? Siva, can you stand up? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Simran and Risha. दोस्तों मैं घर वापस आ गई हूँ। बर्थडे सिंपल बर्थडे था बेटी का, तो हमने बर्थडे मनाया। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने अम्बली बनाया हुआ है। अम्बली कल के लिए बनाया है, कल भी मैंने अम्बली खाया था और आज भी अम्बली ही खाया सवेरे, और कल के लिए भी मैंने अम्बली बनाया है। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों उसको सवेरे जो है ब्रेकफास्ट के उसमें लेंगे, और साथ में लंच में मैं सिर्फ अम्बली खाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड तो घर पे रहते नहीं है, तो मैं अम्बली ही खाऊंगी कल। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरा अम्बली कैसे बनाया मैंने। तो ये मैंने बनाया है, ये एक्चुअली मैं दोपहर में बना दिया था, बना करके मैं चली गई थी। अभी देखिए ऐसा हो गया है। इसके ऊपर एक वाइट कलर की परत आप देख रहे होंगे, वाइट कलर की परत इस पे आ रखी है। ये इसी को बोलते हैं फर्मेंटेशन। ये फर्मेंट हो गया है, अब इसको मैं चाहूँ तो फ्रिज में रख सकती हूँ या चाहूँ तो ऐसे भी छोड़ सकती हूँ, क्योंकि ठंडा मौसम है तो ये खराब नहीं होगा रात भर में, और मिट्टी के बर्तन में है तो कोई डर नहीं है। तो मिलेट को जो है राइस के फॉर्म में भी खा सकते हैं, और मैं इसको ऐसे ही खाने वाली हूँ अब, क्योंकि हमारा राइस जो पहले हम लेकर के आए थे 5 किलो, वो राइस ख़त्म होने वाला है, और अब मैं राइस वापस नहीं ला रही हूँ, क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं जब तक मेरा जो ये मिलेट है, मैंने मिलेट मंगाया था। एक्चुअली मैं मुस्तफ़ा से मिलेट लेकर के आई थी। सिंगापुर में मुस्तफ़ा में मिलेट मिलता है, लेकिन इस मिलेट में थोड़ी प्रॉब्लम थी। ये मिलेट जो था इसमें इतना, खास करके जो मैंने पिछला वाला बैच खोला था, शायद वो फॉक्सटेल का था, उसमें इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा छिड़का गया उसके ऊपर। बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल थी कि मैं नहीं खा पा रही थी उसको। फिर उसको मैंने 4-5 पानी के साथ खूब अच्छे से धोया, उसको 7 दिन तक उसको सुखाया है मैंने।
उसके बाद मैंने उसको हल्का सा ब्लेंड किया, ब्लेंड करके उसको रखा है। जब भी मेरा दिल करता है मैं उसका अम्बली बना लेती हूँ, तो अभी फिलहाल वही चल रहा है। लेकिन आज जो मैंने मिलेट, अभी जो मैंने मिलेट बनाया है ना, ये लिटिल मिलेट है। अभी जो नया बैच मैंने वॉश किया है और उसको सुखाया, वो लिटिल मिलेट का बैच है। उसको मैंने सुखा के, क्योंकि उसमें ज़्यादा स्मेल नहीं थी, ये काफ़ी अच्छा आया था, तो इसको मैंने स्टोर करके रख लिया है। और जब तक मेरा ये पूरा मिलेट ख़त्म नहीं होगा तब तक मैं इसको इस्तेमाल करूँगी। और इसके बाद मेरी एक फ्रेंड से बात हुई है, सिंगापुर में ही रहती है वो, उसने मुझे काफ़ी अच्छा क्वालिटी का जो मिलेट है बताया है। अगर मुझे अपने एरिया के आसपास नहीं मिला तो मैं उसके घर के पास से लेकर के आऊँगी, बट मिलेट मैं लेकर के ज़रूर आऊँगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। बर्थडे का सिलसिला ख़त्म हो गया, एक हफ्ते तक बर्थडे ही मनाया जा रहा है यहाँ पे। आए दिन 3 तारीख से लेकर अभी तक बर्थडे ही मन रहा है, रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है उसके पास। तो बस आज के लिए इतना ही था, छोटा मोटा बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट हुआ है फ्रेंड्स वगैरह को बुला के, क्योंकि बेटे की छुट्टी नहीं थी। बेटा मेरा कमांडो में है, ही इज़ अ कमांडो। तो ये इनका 21st बर्थडे था, 21 साल के हो गए दोनों, और बस बड़े हो गए, पता ही नहीं चला समय कैसे बीत गया, बच्चे बड़े हो गए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, बाय।